जैन दोस्तों, स्वागत है आपका एक लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था कि यहाँ पे यूपी पंचायती राज विभाग की तरफ से जो है एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट किया जाने वाला है। तो वो नोटिफिकेशन जो है जल्दी जारी किया गया था, ठीक है। और उसके पश्चात आज मैं आपको जो वीडियो अपडेट दे रहा हूँ भाई, ये इससे आज लास्ट डेट से 2 दिन पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो जल्दी से फॉर्म जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है भाई, जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि ये चांस अगर आपका चला गया तो भाई आप फिर पछताओगे, फिर आपको ये कहोगे कि भाई हमें फॉर्म भर लेना चाहिए था, अब हमने थोड़ा सा ही लालच कर दिया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो, अभी अभी टाइम है आप लोगों के पास ये फॉर्म भरने का। अब इसमें देखिए, अपने गाँव में अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, ठीक है, पंचायती राज विभाग की तरफ से, तो यहाँ पे जरूर से भर लीजिएगा। इसमें आपको 2 प्रकार की यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। पहला पद है पंचायत सहायक का और दूसरा पद है आपका अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो ये 2 पद निकले हैं, अब मैं दोनों का प्रोसेस आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये आपको ऑफलाइन के थ्रू भरना होगा, ठीक है। ऑफलाइन के थ्रू ये फॉर्म आपको भरना होगा, और कहाँ पे आपको सेंड करना होगा, तो आपका जो भी पंचायती, जो भी आपका ब्लॉक है, ठीक है, या फिर जो भी पंचायत विभाग है आपका, वहाँ पे आपको ये फॉर्म को सेंड करना होगा। अब इसमें क्या प्रोसेस रखा गया है, देखिए यहाँ पे जो पद निकले हैं 4821 पद हैं, इसके लिए दोनों को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको जो पद देखने को मिल रहा है पंचायत सहायक का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड किया गया है। इस दोनों फॉर्म के लिए आपकी जो योग्यता रखी गई है वो कुल यहाँ पे जो योग्यता है वो 12वीं पास यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप भी 12वीं पास हैं तो जरूर से आवेदन करिएगा। इसमें बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होगी, कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। यहाँ पे डायरेक्टली मेरिट बेस पे आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने कमेंट में जा करके आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं डाला है तो कमेंट करके ये बता देना हमें कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे यूपी पंचायती राज विभाग की तरफ से जो पद निकले हैं, इसमें हम डिटेल बता देंगे कि आपको कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 30/6 यानी कि 30 जून 2024 रहने वाली है। जब मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ उससे 2-1 दिन बाद ये डेट जो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर आप फॉर्म भेजेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी जो कुछ बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देख पाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2024, और इसके लिए कितनी योग्यता है भाई, सिर्फ और सिर्फ 12th पास यहाँ पे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और कुल पद कितने हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने शुरू में आपको बताया कि 4821 यहाँ पे पद निकले हैं भाई। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है बहुत ही नज़दीक है, तो यार 30 जून से पहले पहले आप जो इसमें आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। उससे बाद में आवेदन करोगे तो आप फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अवार्ड सेक्शन में जाकर के पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को भरना होगा, ये सभी जानकारी जो है वो आपको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जाकर के कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पर भी हम आपको सारी जानकारी देते रहते हैं। अब देखिए इसके ओवरव्यू के बारे में कुछ हम नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकली है मैंने आपको बताया, यहाँ पे पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी कैंडिडेट 10th के बाद 12th कर रखा है भाई, अब जो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एक चांस मिल रहा है आपके लिए ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। अब ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू, वो आपको यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोड ऑफ अप्लाई जो है वो यहाँ पे आपको ऑफलाइन के थ्रू ही करना होगा फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसकी जॉब लोकेशन जो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पंचायती राज में उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके लिए यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दिखाई दे जाएंगी। जैसा कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे तो आप देख पाएंगे 15/6/2024 से इसके जो फॉर्म थे वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे। इसके लास्ट डेट जो है आप देख पाएंगे 30/6/2024 इसकी लास्ट डेट देखने को आपको मिल जाएगी। अब इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा वो आपके उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। जैसा कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं 0 चार्ज है, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 0 चार्ज रखा गया है। पेमेंट मोड जो होगा वो यहाँ पे ऑनलाइन के मोड पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा बैंक के थ्रू, कैसे करना होगा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी नीचे बताने वाले हैं।
तो यहाँ पे जो यूपी पंचायत सहायक की भर्ती जो निकली है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है? तो यहाँ पे आपकी जो एज रखी गई है वो आपकी 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में जो आपकी एज है वो यहाँ पे होनी चाहिए, और 1/1/2024 तक आपकी आपकी जो एज है वो कैलकुलेट यहाँ पे कर दी जाने वाली है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे पंचायत सहायक, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये दो कैटेगरी के पद देखने को मिलेंगे, जिसमें टोटल पोस्ट जो है आप देख सकते हैं 4,821 टोटल पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आपने कर रखा होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट लगेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको डायरेक्टली लिंक दे रखा है, ठीक है, नोटिफिकेशन का आपको डायरेक्टली लिंक मिलेगा, लिंक जिस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पर, या फिर मैंने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन खुल के ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी बता रखा है, और पंचायती राज विभाग की तरफ से ये विज्ञापन जारी की गई है। इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे 15/3/2024 के अंतर्गत पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु निम्नांकित योग्यता व विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। तो कुल पदों की संख्या मैंने आपको बताया कि 4,821 है। इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पंचायती राज विभाग की वेबसाइट ये दे रखी है, इस पे जाकर के आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आवेदन की तिथि जो बताई मैंने आपको 15/6/2024 से लेकर के और 30/6/2024 तक ही करना होगा। इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या प्रोसेस है, तो ये आपके लिए यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं निर्धारित समय कब से लेकर कब तक का भेजा जाएगा फॉर्म, तो ये आपके लिए यहाँ पे बताया गया कि देखिए ये दो दो नंबर पर है, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम अवधि जो है वो अंतिम तिथि 15 जून से लेकर के और 30 जून के बीच में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पर जब आओगे तो आपको देखने को मिलेगा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की संबंधी ग्राम पंचायत की उपलब्ध कराई जाना, तिथि जो है वो आपकी 1 जुलाई से लेकर के और 6 जुलाई के बीच तक कराई जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से आपके यहाँ पे नियुक्ति के कब से नियुक्ति होगी, कब से क्या प्रोसेस होगा, ये सभी जानकारी के बारे में बताया गया है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी आपको बताया गया कि यहाँ पे देखिए निर्धारित समय पर जो आवेदन करेंगे उम्मीदवार वो यहाँ पे देखिए आपके लिए जो जो आपकी डाक है, ठीक है, अपनी ग्राम पंचायत है या फिर विकास खंड कार्यालय है, वहां पे आपको जिला पंचायत अधिकारी द्वारा ये निर्धारित समय अवधि के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आपकी जो संख्या है वो आपको बताई गई है, और यहाँ पे 25/7/2021 में दिए गए विविधानों के अनुरूप संचालित होगी, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। फॉर्म के लिए देखिए आपको फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, ये फॉर्म आपको दे रखा है पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। अब इसके लिए आवेदित ग्राम पंचायत कौन सी आपकी, विकास खंड कौन सा है, जनपद कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपना आवेदन का नाम, पिता नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, जन्म तिथि, हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप लिंग यानी मेल है पुरुष है जो भी हो, मतलब पुरुष हो महिला हो जो भी हो, ठीक है, उस पर टिक करना है, यहाँ पे लिखना है स्थायी पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कितने नंबर आए हैं, क्या परीक्षा आपने प्राप्त करी है, कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स को यहाँ पे आपको जो भरना होगा और अपने हाथों के द्वारा ही आपको यहाँ पे भेजना होगा ऑफलाइन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पे आपके लिए जो रसीद जो मिलेगी आपको विकास जिला पंचायत राज अधिकारी से वो आपको काट करके यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा, इसके साथ साथ अपलोड करना होगा, यानी कि इसके अटैच करने के बाद भी तभी आपको जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, तो अगर आप यहाँ पे इसके बारे में जानना चाहते हो यहाँ पे डिटेल्स की, ठीक है, नोटिफिकेशन की डिटेल्स भी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा।